Hello everyone. So today we are going to start questions on stress strain curve. तो बहुत बार बच्चों का कॉल आया कि सर हमें पॉइंट वाइज क्वेश्चंस चाहिए, तो हम ऐसा स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर की क्वेश्चन. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चंस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर लिए. यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस स्किप भी हुए हैं, बट यहाँ पे पूरे कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चंस के बताए जाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन ये देख लो, द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन इज. अभी स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन इज आपको पूछा गया. सो ये प्लास्टिक मॉड्यूलस दिया हुआ है, पॉइजन रेशियो दिया हुआ है, नन अबव मेंशन दिया हुआ है, और फर्स्ट जो क्या है इलास्टिक मॉड्यूलस. तो इसका आंसर क्या है, इलास्टिक मॉड्यूलस है. इसका आंसर क्या है, इलास्टिक मॉड्यूलस. इलास्टिक मॉड्यूलस इसका आंसर रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. अभी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है, ऑप्शन गिवन है आपको, इट इज अ परसेंटेज ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन, गलत है. इट इज अ रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सही आंसर आपका क्या, इट इज अ रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. थर्ड ऑप्शन गिवन है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में एक बार आपको और एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम निकालते हैं, यहाँ पे जो डिपेंडेंट पैरामीटर है वो है स्ट्रेस है, डिपेंडेंट पैरामीटर है स्ट्रेस है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर है स्ट्रेन है. तो यहाँ पे एक ध्यान देना कि जो भी इंडिपेंडेंट पैरामीटर है वो हम एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करते हैं एज पर मैथमेटिशियंस. सो जो डिपेंडेंट पैरामीटर है हम वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करते हैं. जब भी हम किसी को रीड आउट करते हैं, किसी भी ग्राफ को रीड आउट करते हैं, तो पहले हम डिपेंडेंट पैरामीटर को नाम लेते हैं और बाद में हम इंडिपेंडेंट पैरामीटर का नाम लेते हैं. सो ये क्या है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है. तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नथिंग बट इट इज अ रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. इट इज अ रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. बहुत बच्चे बहुत बार गलती भी करते हैं कि इट इज अ परसेंटेज ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये नहीं है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन अ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. सो थर्ड जो क्वेश्चन है, विच पॉइंट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑकर्स आफ्टर द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट. तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन, मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करता हूँ, मैं माइल्ड स्टील का एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करता हूँ. सो देखो यहाँ पे जो माइल्ड स्टील का मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे डिपेंडेंट पैरामीटर स्ट्रेस है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर स्ट्रेन है. सो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन में माइल्ड स्टील का मैंने ड्रॉ कर लिया, तो इस माइल्ड स्टील के पॉइंट के अंदर सभी पॉइंट्स मैं कवर अप करने वाला हूँ. सो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है. स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के ऊपर जो पहला पॉइंट आएगा, मैं यहाँ पे ओरिजिनल पॉइंट ओ को रिप्रेजेंट करता हूँ. यहाँ पे ए पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट. प्रोपोर्शनल लिमिट जो फर्स्ट पॉइंट आएगा, प्रोपोर्शनल लिमिट. तो यहाँ पे आपका हुक्स लॉ वैलिड रहता है प्रोपोर्शनल लिमिट तक. सेकेंड जो बी पॉइंट है, ए के पॉइंट के ऊपर जस्ट यहाँ पे जस्ट कर्व स्टार्ट होगा. यहाँ पे टोटली स्ट्रेट लाइन रहेगी, लाइन रेड लाइन में दिखा रहा हूँ, ये टोटली स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे ग्राफ ने थोड़ा सा टर्न लेना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे बी पॉइंट आ रहा है. बी पॉइंट इज नथिंग बट इलास्टिक पॉइंट रहता है. वो क्या रहता है, इलास्टिक पॉइंट रहेगा. इलास्टिक पॉइंट रहेगा ये बी पॉइंट. नेक्स्ट सी पॉइंट जो रिप्रेजेंट करूंगा, सी पॉइंट इज नथिंग बट अगेन अपर यील्ड पॉइंट. अपर यील्ड पॉइंट रहेगा सी पॉइंट, क्या रहेगा अपर यील्ड पॉइंट. सी पॉइंट अपर यील्ड पॉइंट रहेगा. नेक्स्ट जो डी पॉइंट रहेगा, डी पॉइंट इज नथिंग बट लोअर यील्ड पॉइंट. बेसिकली हम डिजाइन के अंदर यूज करते हैं, इट इज अ लोअर यील्ड पॉइंट रहेगा, लोअर यील्ड पॉइंट. यहाँ पे जो ई पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ई पॉइंट इज नथिंग बट अल्टीमेट पॉइंट. क्या रहेगा ये, अल्टीमेट पॉइंट, या अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बोलते हैं उसको, अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बोलते हो. एंड लास्ट जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा ब्रेकिंग, ये पॉइंट रहेगा क्या, ये ब्रेकिंग पॉइंट और फेल्योर पॉइंट रहेगा. ब्रेकिंग पॉइंट और फेल्योर पॉइंट भी आप बोल सकते हो. सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच पॉइंट ऑन अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑकर्स आफ्टर द प्रोपोर्शनल लिमिट. तो ये आंसर आपका रहेगा इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट है, सभी आपको आंसर है. देखो अपर यील्ड पॉइंट भी है, लोअर यील्ड पॉइंट है, बट आपको आफ्टर बोला है, आफ्टर प्रोपोर्शनल लिमिट कौन सा आएगा, इलास्टिक लिमिट पॉइंट आएगा. सो फोर्थ क्वेश्चन अभी हम निकल रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. विच पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑकर्स आफ्टर द लोअर यील्ड पॉइंट. अभी लोअर यील्ड पॉइंट के बाद कौन सा पॉइंट आता है, देखो देखो ऑलरेडी हमने सभी पॉइंट्स यहाँ पे मार्क किए हुए, तो लोअर यील्ड पॉइंट के बाद आता है अपना अल्टीमेट पॉइंट. कौन सा आता है, अल्टीमेट पॉइंट. तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सी रहेगा. ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा. सो नेक्स्ट फिफ्थ जो क्वेश्चन है, देखो विच पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आफ्टर द यील्ड पॉइंट. यील्ड पॉइंट के बाद कौन सा पॉइंट आता है. सो यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे
यील्ड पॉइंट बोला है तो यहाँ पे लोअर यील्ड एंड अपर यील्ड कोई पॉइंट नहीं बोला है, तो यील्ड पॉइंट के बाद आता है अल्टीमेट पॉइंट, क्या तो कौन सा आता है अल्टीमेट पॉइंट, तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका सी रहेगा। तो लोअर यील्ड पॉइंट नहीं रहेगा, अपर यील्ड पॉइंट रहेगा, अपटर यील्ड पॉइंट बोला है तो ये यील्ड पॉइंट के बाद क्या आएगा अल्टीमेट पॉइंट आएगा, यील्ड पॉइंट के बाद क्या आएगा अल्टीमेट पॉइंट आएगा। सो सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, विच पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑकर्स अपटर द अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट के बाद कौन सा पॉइंट आएगा, तो ये सभी क्वेश्चंस इसी के अंदर हम कवर कर रहे हैं। देखो इस अल्टीमेट पॉइंट के बाद आएगा आपका ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, अल्टीमेट पॉइंट के बाद कौन सा आ रहा है ब्रेकिंग पॉइंट, ऑलरेडी हमने यहाँ पे सभी पॉइंट्स को मार्क किया हुआ है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर सभी पॉइंट को हमने मार्क किया है। देखो अल्टीमेट पॉइंट के बाद ई के बाद ये जो पॉइंट आ रहा है उसको हम फेल्योर पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट भी बोल रहे हैं। सो ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन, इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट, देखो इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट, आपको क्वेश्चन का आंसर भी देना है। इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट, फर्स्ट ऑप्शन है अप टू विच द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, अप टू विच द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये भी हो सकता है। देखो एट विच एलोंगेशन टेक्स प्लेस विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल लोड, ये तो आंसर सही गलत है। अप टू विच इफ द लोड इज रिमूव्ड द ओरिजिनल वॉल्यूम एंड शेप आर रिगेन्ड, सो इसका आंसर क्या रहेगा सी आंसर रहेगा, एंड लास्ट का ऑप्शन था नन ऑफ द मेंशन। सो इलास्टिक पॉइंट इज नथिंग बट ऐसा पॉइंट जहां पे आप लोड को रिमूव कर दोगे तो अगेन अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज के अंदर आ जाएगा। आप अगर फोर्स लगा दिए तो ये आपका ना शेप चेंज कर रहा था, ये अपना क्या कर रहा था शेप चेंज कर रहा था। जब आप इसके ऊपर से फोर्स निकालोगे तो अगेन ये ओरिजिनल शेप एंड वॉल्यूम के अंदर आएगा, इसको बोलते हैं हम इलास्टिक पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट। सो आपका आंसर क्या रहेगा सी रहेगा, आंसर रहेगा सी। सो एट्थ क्वेश्चन की तरफ हम निकल रहे हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको SSC आप MES का कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसके अंदर भी आ सकते हैं। सो एट्थ क्वेश्चन देख लो, एट्थ क्वेश्चन विच इज द पॉइंट पी शोन इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देखो पॉइंट पी हमने ऑलरेडी हमने ई पॉइंट करके रिप्रेजेंट किया था, आपको यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप अल्फाबेटिकली कहाँ पे कौन सा भी पॉइंट वहाँ पे बोल सकते हो, तो ई इज नथिंग बट यहाँ पे क्या है अल्टीमेट पॉइंट है, क्या है अल्टीमेट पॉइंट, तो ऑप्शन आपका रहेगा डी। सो एट्थ का आंसर क्या रहेगा डी। सो अगेन आपको ग्राफ गिवन है, सो विच इज द पी शोन इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये अभी लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट को ही हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, इसको ही बोलते हैं हम ब्रेकिंग पॉइंट, तो ऑप्शन क्या रहेगा डी रहेगा। सो ये ऐसे जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आप कन्फ्यूज मत हो जाना, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते, कन्फ्यूज होने की कोई चांसेस नहीं रखना यहाँ पे। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत प्रॉपरली आप स्टडी कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर रिपीट होते हैं। सो यहाँ पे टेंथ क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज द पॉइंट पी शोन इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अभी ये जो है अपना लोअर यील्ड पॉइंट है, लोअर यील्ड पॉइंट है। सो ऑप्शंस के अंदर भी दिया हुआ है, देखो इलास्टिक लिमिट दिया हुआ है, इलास्टिक लिमिट तो आपका यहाँ पे आ रहा है, इलास्टिक लिमिट आपका यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे यील्ड पॉइंट दिया हुआ है, यील्ड पॉइंट देते तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता तो मैं सीधा एक यील्ड पॉइंट बोलते, तो यील्ड पॉइंट में यहाँ पे सीधा ड्रॉ कर लेता, तो आपको लोअर यील्ड पॉइंट और अपर यील्ड पॉइंट दोनों का भी मेंशन किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे लोअर यील्ड पॉइंट रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा लोअर यील्ड पॉइंट रहेगा। सो इसका आंसर क्या रहेगा लोअर यील्ड पॉइंट, तो आंसर नंबर बी लोअर यील्ड पॉइंट। तो बहुत बार बच्चे भी गलती कर देते कि लोअर स्ट्रेन पॉइंट लिख देंगे, तो लोअर स्ट्रेन पॉइंट आपका गलत आंसर रहेगा, आंसर आपका सही क्या रहेगा लोअर यील्ड पॉइंट। सो आप ध्यान देना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेवंथ क्वेश्चन, वेयर इज द नेकिंग रीजन। अभी नेकिंग रीजन कहाँ पे रहेगा, नेकिंग का मतलब क्या है, नेकिंग के अंदर क्या होता है कि जब भी स्ट्रेस स्ट्रेन करो जो ब्रेकिंग होगा तो यहाँ पे आपको ये अपना शेप चेंज करने स्टार्ट कर देता है, मींस जहाँ पे ब्रेकिंग होने वाला है वहाँ पे क्या होता है कि ये रिड्यूस होता है, यहाँ पे जो डायमीटर रहेगा वो क्या रहेगा रिड्यूस होएगा, तो उस रीजन को हम बोलते हैं नेकिंग रीजन। तो अभी यहाँ पे देख लेंगे नेकिंग रीजन इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर कहाँ पे होता है, एरिया बिटवीन लोअर यील्ड पॉइंट एंड अपर यील्ड पॉइंट, यहाँ पे नेकिंग नहीं होगा। द एरिया बिटवीन प्लास्टिक लिमिट एंड इलास्टिक लिमिट, यहाँ पे भी आंसर नहीं रहेगा। द एरिया बिटवीन अल्टीमेट पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, ये भी नहीं रहेगा। सो एरिया बिटवीन अल्टीमेट पॉइंट एंड रप्चर पॉइंट, यहाँ पे आपका नेकिंग जोन क्रिएट होता है, यहाँ पे क्या होता है नेकिंग जोन क्रिएट होता है। सो आपका आंसर क्या रहेगा, द एरिया बिटवीन अल्टीमेट पॉइंट एंड रप्चर पॉइंट, रप्चर पॉइंट इज नथिंग बट ब्रेकिंग पॉइंट, उसकी यहाँ पे आपका क्या होगा नेकिंग होगा, मीन्स यहाँ पे आपका ये जो
डायमीटर रहेगा यहाँ पे रिड्यूस होता जाएगा डायमीटर, तब आपका फिल्यूर, जब कोई मैं बोलूँगा कि डक्टाइल मटेरियल है तो ये कप एंड कोन फिल्यूर होगा, कप एंड कोन फिल्यूर होगा, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कप एंड कोन फिल्यूर, तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो यहाँ पे हमने आइडियलाइज ग्राफ की भी स्टडी करे थे, आइडियलाइज ग्राफ का भी हमने स्टडी किया था, तो इसका भी आप प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मेरे जाके आप देख सकते हो कि आइडियलाइज ग्राफ हमने कौन कौन से देखे। तो आपको आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के बारे में पूछा गया, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के बारे में पूछा गया। सो मैं यहाँ पे अगेन आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू दे देता हूँ। देखो कोई भी हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो स्ट्रेस इज नथिंग बट अगेन डिपेंडेंट पैरामीटर है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर कौन सा है, स्ट्रेन है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर कौन सा है, स्ट्रेन है। सो जैसे ही हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिस इज ये ओरिजिन है, ओरिजिन है। सो प्रोपोर्शनल लिमिट एंड इलास्टिक लिमिट क्या है कि अपना ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ क्या है आइडियलाइज के केस में हम स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इलास्टिक हो गया, ये इलास्टिक हो गया, बट जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी उसको हम बोलते हैं कि प्लास्टिक जोन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्लास्टिक जोन बोलेंगे। बट इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है तो इसको बोलेंगे हम इलास्टोप्लास्टिक, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इलास्टोप्लास्टिक मीन्स पहले इलास्टिक हो रहा है बाद में प्लास्टिक फेल्योर होगा। सो ये ग्राफ तो नहीं आएगा, तो आपका सी ऑप्शन तो चला गया, सी ऑप्शन तो चला गया। नेक्स्ट जो आएगा तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट के अंदर क्या है, सिर्फ इलास्टिक है, सिर्फ क्या है, इलास्टिक है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट आपको सिर्फ क्या बोला, परफेक्टली प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक का मतलब क्या है, इस जोन के अंदर सिर्फ ग्राफ प्लास्टिक जोन ही प्रोड्यूस करे, तो ऐसा परफेक्टली प्लास्टिक के केस में आ जाएगा। सो आपका आंसर रहेगा बी, आपका आंसर के आंसर रहेगा बी, जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। ये जो ग्राफ है ऑप्शन नंबर डी का ग्राफ, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ऑप्शन नंबर डी में पहले इलास्टिक हो गया, बाद में जो भी ग्राफ अपर की तरफ निकलेगा उसको बोलेंगे हम स्ट्रेन हार्डनिंग, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन बोलेंगे, इसको हार्डनिंग बोलेंगे। जब ये ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा जिसको बोलेंगे स्ट्रेन सॉफ्टनिंग, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग। तो ऐसे बहुत सारे बेसिक फंडे आपको पता होने चाहिए, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आंसर बी रहेगा, आंसर बी रहेगा। तो आपका ग्राफ क्या आ रहा है, परफेक्टली प्लास्टिक के अंदर ऐसा आ रहा है, परफेक्टली प्लास्टिक के अंदर आपका ग्राफ ये आ रहा है। सो नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम निकल रहे, 13 नंबर क्वेश्चन देखो, 13 नंबर क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। अभी मैच द फॉलोइंग के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो आपको सभी के ग्राफ, सभी मटेरियल्स और उसके ग्राफ आपको पता होने चाहिए। सो मैच द फॉलोइंग के अंदर देखो, यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ द मटेरियल दिया हुआ है, लिस्ट, और यहाँ पे दिया हुआ है ग्राफ्स दिए हुए। सो फर्स्ट जो दिया है माइल्ड स्टील का दिया हुआ है, तो माइल्ड स्टील का अगर आप ग्राफ देखोगे तो माइल्ड स्टील का हम बहुत बार ग्राफ देखे हुए, तो माइल्ड स्टील का आंसर आएगा सी। तो आंसर कौन सा आ रहा है, सी की तरफ वो निकल रहा है। नेक्स्ट जब हम प्योर एल्युमिनियम और एल्युमिनियम के केस में अगर हम देखेंगे, प्योर एल्युमिनियम के केस में अगर हम देखेंगे तो प्योर एल्युमिनियम अगर देखोगे तो प्योर एल्युमिनियम के केस में यहाँ पे प्योर कॉपर एंड प्योर एल्युमिनियम के केस में बहुत सॉफ्ट ग्राफ निकलेगा, बहुत सॉफ्ट ग्राफ निकलेगा। नेक्स्ट जो क्या है कि कास्ट आयरन भी है, नेक्स्ट कास्ट आयरन भी है, कास्ट आयरन क्या है कि कास्ट आयरन अगेन ब्रिटल मटेरियल है, तो ब्रिटल का ग्राफ कैसे आता है ये भी आपको ध्यान देना है। तो ब्रिटल का मटेरियल, ब्रिटल का मटेरियल है तो ये आपको ब्रिटल का भी आपको सोचना पड़ेगा कि ब्रिटल मटेरियल का आंसर क्या रहेगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं बेसिकली आपके आईएएस या आईएएस लेवल के क्वेश्चन में आते हैं, आईएएस एंड आईएएस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सो मैं यहाँ पे जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने तो आप ऑप्शन की तरफ से जाना है। सो ऑप्शन में देखो, पहला जो ऑप्शन है मेरा, मुझे क्या है कि एलिमिनेशन करना, इस ऑप्शन में आपको अगर आप कन्फ्यूजन हो गए तो आप एलिमिनेशन पहले करना, मैं बाद में बताऊंगा परफेक्ट ग्राफ कौन सा आएगा। एलिमिनेशन में देखो तो मुझे पहला परफेक्ट पता है कि माइल्ड स्टील का ग्राफ 3 है, माइल्ड स्टील का ग्राफ क्या है 3 है, तो ए का 3 के साथ है, बाकी के दो ऑप्शन मैंने कट आउट कर दिए। देखो ये ए के साथ 2 है, ए के साथ 4 है, तो ये ऑप्शंस मेरे कट हो जाएंगे, ये ऑप्शंस मेरे क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अभी रिमेनिंग बचे कौन से हैं, अभी इसके अंदर मुझे कन्फ्यूजन है, इसके अंदर मुझे कन्फ्यूजन। सो देख लेना यहाँ पे बहुत, यहाँ पे दो बार दो ऑप्शन और क्लैश हो रहे, देखो दो ऑप्शन अगर आपको देखोगे तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन क्लैश हो रहे। सो इन दैट केस ये आईएएस लेवल का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आईएएस लेवल का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे दो ग्राफ्स ऐसे ऑलरेडी यहाँ पे हमने कट कर चुके हैं, तो यहाँ पे देख लेना कि जो कास्ट आयरन है ब्रिटल मटेरियल है, ये तो फेल्यूर कहाँ पे होगा, ये फेल्यूर जो होगा इसका, ये इसका फेल्यूर होगा, ये सीधा यहाँ पे जाके ब्रेक होता है, सीधा यहाँ पे जाके क्या होता है, ये ब्रेक होता है। तो कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल, तो उसका 4 आएगा, तो सी किसके साथ है, 4 के साथ, तो दोनों में, दोनों ऑप्शन के अंदर 4 है। बट यहाँ पे प्योर एल्युमिनियम प्योर कॉपर बोला गया, प्योर एल्युमिनियम एंड प्योर
कॉपर बोला गया। सो इस केस में आपका जो आंसर क्या रहेगा, वन तो ऑप्शन नहीं है, वन के अंदर ये फेल्योर यहाँ पे रिड्यूस नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो वन स्ट्रेट लाइन दिखाया था, वन स्ट्रेट लाइन तो वन ऑप्शन नहीं आएगा। सो प्योर एल्यूमिनियम एंड प्योर कॉपर के लिए जो ग्राफ आएगा वो आपका दो नंबर का आएगा, दो नंबर का आएगा। तो ऑप्शन आपका बी रहेगा, ऑप्शन आपका क्या रहेगा, बी रहेगा। तो यहाँ पे केयरफुली देख लेना है, ये आईएएस लेवल का क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आईएएस क्वेश्चन है। सो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होने के चांसेस है, बहुत बार ये बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि यार ये दोनों में दो दो ही दिया हुआ है, तो आपको वन वन भी दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपको एलिमिनेशन है, इसे करने आना चाहिए। नेक्स्ट जो 14 नंबर क्वेश्चन है देख लेना, 14 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। सो 14 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज आइडियल इलास्टिक एंड स्ट्रेन हार्डनिंग। अभी हमने देखा है स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल, तो स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब क्या है कि आपका ग्राफ ऊपर की तरफ निकलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही ग्राफ मैंने देख लिया तो वहाँ पे ऑप्शन बता सकता हूँ मैं, डी आएगा, ऑप्शन क्या आएगा मेरा, डी आएगा। ये इलास्टिक है, इलास्टिक है, तो ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पे सिर्फ प्लास्टिक है, परफेक्टली प्लास्टिक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन कट गया। यहाँ पे इलास्टोप्लास्टिक है, इलास्टिक हो गया बाद में ये प्लास्टिक हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया, तो आपका आंसर नंबर डी रहेगा। सो 15 नंबर क्वेश्चन देख लेना, 15 नंबर क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड आउट द कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। सो ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसके दो ऑप्शंस भी, और दो ऑप्शंस कौन कौन से मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। सो नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपको एंडोरेंस दिया हुआ है एंड स्ट्रेंथ दिया हुआ है, एंडोरेंस दिया हुआ है एंड स्ट्रेंथ दिया हुआ है। सो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन सॉरी सी एंड डी, यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ है एंडोरेंस, एंडोरेंस एंड लास्ट का दिया हुआ है स्ट्रेंथ, लास्ट का दिया हुआ है स्ट्रेंथ। सो इस क्वेश्चन में देख लेना कि आपको कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बोला गया है, एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के अंदर बोला। यहाँ पे दो चीज़ें आप बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं, बच्चे रेजिलियंस एंड स्टफनेस के अंदर कन्फ्यूजन हो जाते हैं, रेजिलियंस एंड स्टफनेस के अंदर कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ये स्ट्रेस है, ये अपना स्ट्रेन है, तो मैं एक रफली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ। सो टोटल एरिया अंडर द कर्व अगर आपको पूछा गया तो ये आएगा आपका टफनेस, ये क्या आएगा आपका टफनेस आएगा। सो आपका ये जो ग्राफ, इसका आंसर आने वाला है आपका ए, टफनेस ही आने वाला है, इसका आंसर क्या आने वाला है, सब टफनेस ही आने वाला है। अभी रेजिलियंस के अंदर आपको बहुत बार बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, आपको अप टू इलास्टिक लिमिट आकर अगर आपने एनर्जी स्टोर करके रख ली, अप टू इलास्टिक अगर लिमिट आकर आपने एनर्जी स्टोर कर ली, तो एरिया अंडर द कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट आएगा, तो इसको हम बोलेंगे रेजिलियंस, रेजिलियंस, रेजिलियंस। सो ये इलास्टिक कर्व के अंदर अगर आएगा तो इसको बोलेंगे हम रेजिलियंस। और ये टोटल कर्व के अंदर अगर टोटल फेल्यूअर अप टू फेल्यूअर आपको अगर जितना आपको एनर्जी स्टोर करके लेगा उसको बोलेंगे हम टफनेस, इसका आंसर आएगा टफनेस। सो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम निकल रहे, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देख लो, 16 नंबर क्वेश्चन देख लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे बहुत बार रिपीट भी होने वाला क्वेश्चन है। ग्रेटर द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ग्रेटर द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, बहुत बार बच्चों को पता भी नहीं होता ये, ग्रेटर द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लेस इज द इलास्टिसिटी, ये ट्रू है या फॉल्स है पूछना है। सो इसका मतलब क्या है, इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज हाई, हम बोलेंगे द मटेरियल इज इलास्टिक जोन मटेरियल। इफ द एंगल ऑफ, अगर आपका इंक्लिनेशन ज्यादा रहेगा तो बोलेंगे हम मटेरियल इज मोर इलास्टिक, एज कर्व स्टार्ट्स आफ्टर द इलास्टिक लिमिट द इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इज वेरी हाई, इलास्टिक ऑफ मटेरियल इज वेरी हाई। सो इसका आंसर क्या रहेगा, द ग्रेटर द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व द लेस इज द इलास्टिसिटी, ये लेस नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, ये क्या रहेगा, ग्रेटर रहने वाला है। तो आपका ये स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है, स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट आपका ये फॉल्स है, तो आपका आंसर सही क्या रहेगा, बी, स्टेटमेंट ये फॉल्स है। 17 नंबर क्वेश्चन, विच स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज मोर स्टीप, विच स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज मोर स्टीप, आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कौन सा मोर स्टीप होने के लिए बोला है, तो मोर स्टीप जो रहेगा, आपको स्टीप बोला है यहाँ पे, आपको बहुत वर्ड बहुत दिया हुआ है, तो स्टीप, तो डक्टाइल मटेरियल तो स्टीप नहीं रहता, प्योर मेटल भी स्टीप नहीं रहता, दो प्योर जो स्टीप रहेगा, मोर स्टीप रहेगा, वो रहेगा ब्रिटल का रहेगा, वो किसका रहेगा, ब्रिटल का रहेगा, तो आंसर नंबर बी आएगा, आंसर नंबर बी आपको आएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर, इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर द एरिया अप टू इलास्टिक लिमिट, द एरिया अप टू इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इंडिकेट्स विच ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पे आप ऑलरेडी मैंने बता चुके हैं, इट इज अ रेजिलियंस, इट इज अ रेजिलियंस। इसके पहले हमने टफनेस के बारे में हमने देखा था, तो हमने ग्राफ भी देखा था, तो अप टू इलास्टिक लिमिट मेरा एनर्जी स्टोर करने वाला जो ग्राफ है, इसके एरिया अंडर द कर्व, इसको बोलेंगे हम रेजिलियंस,
ये क्या है, रेजिलियंस, तो आप ध्यान रखना। 19 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर सीक्वेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर सीक्वेंस। तो हमने ऑलरेडी ग्राफ देखा हुआ है, तो ग्राफ में पहला पॉइंट आता है इलास्टिक पॉइंट आता है, इसके बाद आता है सॉरी प्रोपोर्शनल पॉइंट आता है, पोस्ट प्रोपोर्शनल पॉइंट के बाद आता है इलास्टिक लिमिट आता है, इसके बाद यील्ड आता है, इसके बाद फेल्योर आता है। सो आपका आंसर नंबर ये आपका करेक्ट रहेगा, आंसर नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा, आंसर नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा। बाद में देख लो, इलास्टिक है, प्रोपोर्शनल है, यील्डिंग है, फेल्योर है, ये गलत रहेगा। यील्डिंग है, प्रोपोर्शनल लिमिट है, इलास्टिक लिमिट है, फेल्योर है, ये गलत रहेगा। नन ऑफ अब ये नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्डिंग पॉइंट एंड फेल्योर पॉइंट, यील्डिंग पॉइंट एंड फेल्योर पॉइंट। सो 20th क्वेश्चन देख लेना, 20th क्वेश्चन, द ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द मटेरियल इज प्लॉटेड बिटवीन, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ मटेरियल इज प्लॉटेड बिटवीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब हम देखने जाते हैं, तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नथिंग बट, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नथिंग बट, हम बोलते हैं कि लोड जो उस पॉइंट पर लोड होगा अपॉन इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया, एट दैट पॉइंट कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा, एंड लॉक टू द बेस ओरिजिनल एरिया अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया, ओरिजिनल एरिया अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया। तो ये आपका आंसर नंबर बी जो है, ये आपका करेक्ट आंसर है। पहला क्या है देखो, लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तो आपका गलत हो गया, ये तो आपको गलत हो गया, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं रहेगा, यहाँ पे जो भी होगा इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा। सो लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये भी गलत हैगा, ये भी आपका गलत रहेगा। देखो, लोड ऑफ इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, तो यहाँ पे ये दिया हुआ था तो कन्फ्यूजन था, बट यहाँ पे लॉक टू द बेस ई होना चाहिए था, लॉक टू द बेस ई होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका आपको करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेना, क्वेश्चन नंबर 21, इन अ बिलो फिगर द प्लास्टिक रेंज ऑकर्स, यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लास्टिक रेंज ऑकर्स। तो आपको ये पॉइंट्स गिवन है, आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। तो ऐसे जब ग्राफ आएगा, अपर लिमिट है, लोअर लिमिट आपको गिवन नहीं है, तो आपको प्लास्टिक रीजन आपको बोला गया है, इसके अंदर आपको क्या बोला है, प्लास्टिक रीजन। सो प्लास्टिक रीजन का मतलब क्या है कि आपका जब भी प्रोपोर्शनल पॉइंट और इलास्टिक पॉइंट जब आपका खत्म होता है, प्रोपोर्शनल एंड इलास्टिक पॉइंट जब आपका खत्म होता है, तो इलास्टिक रीजन के बाद आपका जो होता है वो प्लास्टिक रीजन स्टार्ट होता है, तो प्लास्टिक रीजन। सो आफ्टर ए, आफ्टर ए जो यील्डिंग पॉइंट रहेगा, अपर यील्ड पॉइंट रहेगा, लोअर यील्ड पॉइंट रहेगा, तो आफ्टर ए, आफ्टर ए क्या रहेगा आपका, रहेगा प्लास्टिक रेंज, आपका क्या रहेगा, प्लास्टिक रेंज। सो इसका मतलब क्या है, बियॉन्ड पॉइंट ए, बियॉन्ड पॉइंट ए आपका क्या रहेगा, प्लास्टिक रेंज रहेगा, बियॉन्ड पॉइंट ए आपको क्या रहेगा, ये बिफोर पॉइंट ए नहीं रहेगा ऑप्शन, बिटवीन ए एंड डी, बिटवीन ए एंड डी ये भी नहीं रहेगा ऑप्शन, बिटवीन डी एंड ई ये तो ये। सो आपका आंसर रहेगा बियॉन्ड ए, आप बिटवीन ए एंड डी भी लिख सकते हो, बिटवीन ए एंड बी डी, इसके बाद भी ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, बिटवीन यहाँ पे भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बियॉन्ड ए आप कहाँ तक भी लिख सकते, जा सकते हो, उसको बोलेंगे हम प्लास्टिक रेंज, इसको क्या बोलेंगे हम प्लास्टिक रेंज। प्लास्टिक का मतलब क्या है, अप टू फेल्योर जितना आप स्ट्रेच कर लो वो कर लो, अप टू फेल्योर आप जितना आप स्ट्रेच करना है कर लो, तो बियॉन्ड ए आपका, ये आपका सही आंसर रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 22, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको रिपीट होने के चांसेस है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखो, इन बिलो फिगर कर्व डी रिप्रेजेंट्स, आपका जो कर्व डी, ये आपको कर्व डी दिया हुआ है, देखो कर्व डी गिवन है आपको, कर्व डी रिप्रेजेंट्स, कर्व डी जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका है माइल्ड स्टील, ये कौन सा है, माइल्ड स्टील है, ये कौन सा है, माइल्ड स्टील का है। सो ये माइल्ड स्टील का ग्राफ हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। सो 23 नंबर का क्वेश्चन है, द स्ट्रेसेस एट विच द एक्सटेंशन ऑफ द मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, द स्ट्रेसेस एट एक्सटेंशन ऑफ दिस मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कम्पेयर टू द इंक्रीजिंग द लोड इज कॉल्ड, इंक्रीजिंग द लोड इज कॉल्ड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर देखना, इलास्टिक पॉइंट ऑफ द मटेरियल, ये तो नहीं है, आंसर गलत है। नेक्स्ट प्लास्टिक ऑफ द मटेरियल, ये भी आंसर गलत है। नेक्स्ट है यील्डिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल, ये भी आंसर गलत है, सॉरी ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल, ये आंसर गलत है। नेक्स्ट क्या है, यील्डिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल, ये आपका सही आंसर है। तो यील्डिंग पॉइंट में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक्सटेंशन ऑफ द मटेरियल टेक्स प्लेस क्विकली एज कम्पेयर टू द लोड, इंक्रीजिंग द लोड, तो इसको बोलेंगे हम यील्डिंग पॉइंट। देखो यील्डिंग पॉइंट के अंदर ये ग्राफ मेरा डिक्रीज हो रहा है, यील्डिंग पॉइंट आता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा। सो 24 नंबर क्वेश्चन देख लो, इन बिलो फिगर एट पॉइंट ई रिप्रेजेंट्स, ई को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई को हम रिप्रेजेंट करते हैं
यहाँ पे हम देखेंगे, देखो यहाँ पे भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली हमने चुन चुन के क्वेश्चन लिए हुए, तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि बहुत बार आपको ब्रेकिंग पॉइंट भी आपको आंसर रहेगा, तो इस टाइप के आंसर ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, तो हमने यहाँ देखना है कि कौन सा इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट, मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट है, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट बोलेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, द टेंसाइल टेस्ट इज कैरिड ऑन, किसके ऊपर किया जाता है मटेरियल, आपके पास डक्टाइल है, ब्रिटल है, मेलेबल है, प्लास्टिक है, तो टेंसाइल टेस्ट हम डक्टाइल मटेरियल के ऊपर किए जाते हैं, टेंसाइल टेस्ट इज बेस्ड अपॉन डक्टाइल मटेरियल, तो अपन जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हैं या आपको ब्रिटल का भी ड्रॉ करते हैं, हम डक्टाइल भी करते हैं एंड हम मेलेब ब्रिटल एंड डक्टाइल दो ही मटेरियल हम बोल सकते हैं, जनरली हम मटेरियल को क्लासीफाई करते हैं, तो सो हम यहाँ पे जो टेस्ट टेंसाइल टेस्ट जो कैरीड आउट करते हैं हम डक्टाइल मटेरियल के लिए करते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा ये रहेगा, आंसर क्या रहेगा ये रहेगा, ओके। सो नेक्स्ट सीरीज में आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे, नेक्स्ट सीरीज में आपको क्वेश्चंस रहेंगे, आपको पॉइंट वाइज क्वेश्चंस आएंगे, तो इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स होंगे, थर्मल स्ट्रेसेस होंगे, तो थर्मल से आपको बहुत यूजफुल रहेगा, बहुत बच्चों का कॉल आया था इसलिए हमने ये ऐसे टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर लिया।